दोस्तों आज हम जानेंगे ब्रह्मोस के बारे में, जो पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है क्योंकि ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चीन की S-400 ब्रह्मोस को रोक पाएगी और क्या पाकिस्तान के पास ऐसी कोई डिफेंस सिस्टम है जो ब्रह्मोस से उन्हें बचा सकती है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों पहले भारत ब्रह्मोस की रेंज को 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि भारत पहले MTCR का मेंबर नहीं था, लेकिन जब से भारत MTCR का मेंबर बना तब से ही ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाने पर भारत विचार कर रहा था। और फिर अचानक से भारत ने यह अनाउंस कर दिया कि हमने ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक कर दिया है और इसको जल्दी ही इंडियन आर्मी में भी शामिल कर दिया जाएगा। और तो और हमने ब्रह्मोस को सुखोई से भी टेस्ट फायर कर दिया है, जिससे इसकी दूर तक मार करने की कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ गई है। इसके अलावा आप सभी जानते ही हैं कि ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे तेज गति से मार करने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसको सबमरीन यानी पानी के अंदर से, शिप्स यानी पानी के ऊपर से, एयरक्राफ्ट यानी हवा से और लैंड यानी जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है। जैसे ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो आखिर इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्यों कहा जाता है। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, पहला बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाले होते हैं, जैसे कि हमारा Agni-5, तो वहीं क्रूज मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होती है, लेकिन इनकी मार करने की रफ्तार इतनी अधिक होती है कि इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल उसे कहा जाता है जिस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम हो, यानी जिस मिसाइल की रफ्तार लगभग 0.8 मैक तक की होती है उसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत निर्भया मिसाइल बना रहा है, वह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब हम सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिस मिसाइल की स्पीड 2 से 3 मैक की होती है उसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जबकि ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 मैक से लेकर 3 मैक तक पहुंच सकती है। दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होता है उसकी रफ्तार 5 मैक या उससे भी ज्यादा की होती है। कई ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने पर लगे हुए हैं, जिनमें भारत भी एक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस 2 को बनाने पर लगा हुआ है, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार 5 मैक तक की होने की संभावना है। और जिस दिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन गई, उस दिन S-400 को यह मिसाइल आसानी से चकमा दे देंगी। लेकिन रूस इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी मार गिरा सके, इसलिए S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बना रहा है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस की रेंज बढ़ जाने से हम बड़े ही आसानी से सुखोई द्वारा पाकिस्तान के टेरर कैंप पर हिट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं है जो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को रोक सके। अगर हम बात करें चीन की कि क्या चीन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक पाएगा, तो दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑन पेपर तो ब्रह्मोस को रोक सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली S-400 ब्रह्मोस को रोक ले यह 100% कोई भी नहीं कह सकता। तो दोस्तों ब्रह्मोस के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप sarkarijobseva.com पर जरूर जाएं, जहां आपको ढेर सारी सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मटेरियल्स मिल जाएगा। आप एक बार sarkarijobseva.com पर जरूर जाएं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर गूगल पर आप sarkarijobseva.com लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।